अपना टॉपिक है यकृत लीवर। अपना टॉपिक है यकृत या लीवर कहें। ध्यान दें बेटा, इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अपन को यहां पढ़ना है जो लीवर है इसका जो निर्माण हो रहा है वो यकृत पालिकाओं से होता है। यकृत का निर्माण जो हो रहा है यकृत पालिकाओं से होता है और यकृत पालिकाओं को यकृत की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। यकृत पालिकाओं से होता है और इस यकृत पालिकाओं को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि यकृत पालिकाओं के मिलने से किसका निर्माण हुआ, यकृत। अब अपन कह रहे हैं यकृत पालिकाएं हैं ये यकृत कोशिकाओं से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, यकृत कोशिकाओं से निर्मित होती है। दूसरी बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि यकृत की कोशिकाओं के मध्य क्या पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। जिन्हें यकृती कोटरियां भी कहते हैं, इन यकृती कोटरियों के भित्ति से संलग्न कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। अब अपन कह रहे हैं कि ये कुफर जो कोशिकाएं रहती है इन कोशिकाओं का मुख्य यहां कार्य क्या है, तब आपको ध्यान देने योग्य बात होगी कि इनका मुख्य कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना। किसको नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। इनका मुख्य कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना। फिर रही बात कि ये मुख्य रूप से जो भोजन है वो यदि गल रहा है इसका मतलब उसमें क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कर रहा है, भोजन को गलने नहीं दे रहा है। और तीसरी बात यहां पर आई, ये जो मर्त या जीन कहते हैं, जीन जो आरबीसी होती है उसका भक्षण करने का कार्य करती है। क्या करती है, भक्षण करने का कार्य करती है। इसी कारण इन कुफर कोशिकाओं को महाभक्षकाणु कहते हैं। इन कुफर कोशिकाओं को महाभक्षकाणु भी कहते हैं। और ये हुई मर्त या जीन आरबीसी का क्या करती है, भक्षण करती है, जीवाणु को नष्ट करती है, भोजन को गलने सड़ने से क्या कर देती है, रोकती है। वैसे मुख्य कार्य जीवाणु को नष्ट करना है इसका, बैक्टीरिया को मारने का कार्य करती है, जीन आरबीसी को भक्षण करने का कार्य करती है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, महाभक्षकाणु। फिर बात आती है यहां पर कि यहां तृक निवाहिका का निर्माण होता है। यकृत सिरा यकृत निवाहिका और जो पित्तचराएं रहती है इनके मिलने से, इनके आपस में जुड़
जुड़ने से एक त्रिनिवाहिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ये टॉपिक इतना सा अधूरा रह गया था उस दिन। उसके बाद हम अगली बात कर रहे हैं यकृत के कार्य। यकृत के कार्य तो ध्यान दें, इसमें सबसे पहले ही होता है पित्त निर्माण। क्या होता है, पित्त निर्माण। तो ध्यान दें, यकृत का मुख्य कार्य ही है पित्त का निर्माण करना। यकृत क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। ये एक मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यकृत पित्त का निर्माण करता है, तो बताइए पित्त का संग्रह कहाँ रहता होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत का निर्माण तो सॉरी पित्त का निर्माण तो यकृत से होता है, लेकिन पित्त जो है संग्रह रहता है वो कहाँ रहता है, पित्ताशय में रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पित्ताशय के अंदर ये संग्रहित रहता है, लेकिन निर्माण इसका कहाँ होता है, यकृत में। दूसरी बात बनती है कि पित्त है जो हरे पीले रंग का होता है, सारी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। फिर रही बात कि इस पित्त के अंदर पित्त लवण है, पित्त वर्णक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, वैसे अपन कहें लेसीथिन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, लेसीथिन हो गया, पित्त लवण हो गया, पित्त वर्णक हो गया, ये सभी अपन कह रहे हैं इस पित्त के अंदर क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। वैसे अपन कहें सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये टोरोकोलेट है, ये सब पित्त लवण होते हैं। क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं। लेकिन पित्त वर्णक जो होते हैं ना, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही पूछा गया है कोई दो पित्त वर्णक कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं बिली रूबिन और बिली वर्डिन। बिली रूबिन और बिली वर्डिन जो है दोनों ही क्या है, पित्त वर्णक है, पित्त वर्णक है। कौन, बिली रूबिन और बिली वर्डिन। अगली बात आई कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं उनके अणु जो टूटते हैं ना, तभी अपन कहते हैं पित्त वर्णकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है यहां हीमोग्लोबिन का फिर रही बात यहां पे पित्त के निर्माण के बाद सेकंड पॉइंट रहा ग्लाइकोजिनेसिस। क्या पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना, ग्लाइकोजिनेसिस जिसके अंदर यह होता है कि यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं जो ग्लूकोज होता है उसका जब संग्रह करती है, तब निश्चित मात्रा में जब तक होता तो ठीक, जब निश्चित मात्रा से जब अधिक होने लगता है तब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषण करने का कार्य करती है। तो इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संग्रह करने का कार्य करती है कौन, यकृत की कोशिकाएं। जब ग्लूकोज अपन कह रहे हैं
बॉडी के अंदर निश्चित मात्रा जब अधिक होने लगता है उसका परिवर्तन हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। फिर बेटा ध्यान दें, ग्लाइकोजिनेलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब शर्करा की कमी होने लग जाती है बॉडी में, यदि बाई चांस किसी वजह से बॉडी के अंदर शर्करा की कमी होने लग जाती है तो उस समय ये यकृत की कोशिकाएं इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस। फिर तीसरा बंधन बनता है, ग्लाइकोजिनेलाइसिस हो गया, अब है ग्लूकोजिनेसिस, जिसमें अपन कहते हैं कि यकृत की कोशिकाएं जब एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है, या अपन कहते हैं उनसे सिंथेसाइज करती है, संश्लेषण करती है, संग्रह करती है, इस क्रिया को ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइको की जगह क्या हो जाएगा? ग्लूको, ठीक है ना। अब अपन कह रहे हैं तीन क्रिया ये हो गई, चौथी बात आई कि यकृत की कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है, किसका करती है? यूरिया का संश्लेषण करने का कार्य करती है। नंबर 5 ध्यान रखने योग्य पॉइंट आया कि जैसे यूरिया का तो संश्लेषण हो ही रहा है, साथ में हम कहें कि विटामिन ए का संग्रह व संश्लेषण दोनों करती है, जबकि विटामिन डी वो विटामिन B12 दोनों का क्या करती है? संश्लेषण करने का कार्य करती है। अगला पॉइंट बना 6, और क्या कार्य है? ये यकृत की कोशिकाएं अपन कह रहे हैं रक्त का थक्का ना बने इसलिए हेपेरिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हेपेरिन का निर्माण करती है, रक्त का थक्का ना बने। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अपन कहते हैं सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उस समय कहीं ब्लड फ्लो या स्लो होके क्लॉट ना बन जाए, उस क्लॉट ना बनने के कारण रक्त का थक्का ना बने, तो वो कौन कार्य करता है? हेपेरिन, जो बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है। फिर बात अगली आई कि प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन्स प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिन जैसे प्रोटीन्स का निर्माण कर क्या करते हैं? रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। तो देखो, रुधिर का थक्का न बने, ये रुधिर का थक्का बनने नहीं देता,
बनने नहीं देता कौन? हिपेरिन। जबकि इनका कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना और इसका रुधिर का थक्का बनने नहीं देना। एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों ही कार्य कहां से हो रहे हैं? यकृत से हो रहे हैं, दिमाग से समझने लायक है। फिर बात आती है अगली, यकृत के अंदर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भ्रूणावस्था के दौरान, एम्ब्रियोटिक स्टेज के दौरान हम कहें तो एक तरह से ये रक्त उत्पादन का कार्य करते हैं। आरबीसी के उत्पादन का कार्य होता है, ठीक है ना, कब? भ्रूणीय स्टेज में रक्त के उत्पादन का कार्य होता है। लेकिन जैसे ही वयस्क अवस्था आ जाएगी तब अपन कहेंगे कि ये आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करते हैं, लेकिन वो जीन या मर्त आरबीसी का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। तो ये एक तरह से हम कह रहे हैं, जो हमने 8 या 9 जो भी पढ़े हैं फंक्शन, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये यकृत के कार्य के अंदर आते हैं, फंक्शन ऑफ लीवर। इसके बाद अगली बात आती है हमारे अगले पाचक ग्रंथि के बारे में, जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि। बहुत अच्छे से ध्यान देना, एज हम इसको यहां पर किस रूप में पढ़ रहे हैं? इसको हम पढ़ रहे हैं एक तरह से डाइजेस्ट ग्लैंड के रूप में, ठीक है ना, पाचक ग्रंथि के रूप में पढ़ रहे हैं बेटा। अब ध्यान दीजिए, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज है। अब यहां पर बनता पॉइंट ये है, इसकी भ्रूणीय उत्पत्ति। जब भ्रूणीय उत्पत्ति की बात आ जाती है तब बेटा हम कहेंगे यहां पे कि हम कहेंगे ये एंडोड्रम प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब अगली बात आती है कि ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाह्य स्त्रावण भी करती है और आंतरिक स्त्रावण का भी कार्य करती है। इसी कारण दोनों फंक्शन करने की वजह से इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। फिर बात आती है इसकी स्थिति, लोकेशन कहां है इसकी। तब ध्यान दीजिए, अपन कह रहे हैं जो आमाशय होता है उसके बाद में जो यू आकार की ग्रहणी आती है, ये कौन है? ग्रहणी, ड्यूडेनियम। अब ध्यान दें, इस ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच में, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, इन दो भुजा के बीच में कौन पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ओके। फिर आती है कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है एसिनाई, एक होती है एसिनाई और एक होती है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं और एक होती है एसिनाई।
दोनों के बारे में अच्छे से जान लें। जब बात आती है कि अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक, हम क्या बोल रहे हैं, संयोजी ऊतक कह रहे हैं, ऐसी नाई, ये भी एक सेल्स है, तो ये संयोजी ऊतकों के मध्य पाई जाती है, संयोजी ऊतकों के मध्य पाई जाती है। लेकिन यह इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा ये है कि ये बाह्य स्त्रावण का कार्य करती है। कैसा? बाह्य स्त्रावण का कार्य करती है। तो दिमाग में आ गया होगा कि यदि बाह्य स्त्रावण कर रही है तो हम कहेंगे किसका करेंगे, अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बाह्य स्त्रावण कर रही है इसका मतलब ये कैसी है, नलिकाओं से युक्त है। नलिका युक्त है तभी तो अपन कह रहे हैं कि अग्नाशय रस का बाह्य स्त्रावण के रूप में कार्य करती है। और वे कोशिकाएं जो अपने रस का या अपन कह रहे हैं जो स्त्रावण कर रही है, वो सीधा ही खुला स्त्रावण हो रहा है उनका बिना नलिका से। या हम कह सकते हैं कि जिनका नलिका विहीन स्त्रावण होता है उसको कहते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। ये लैंगरहैंस द्वीपिकाएं इन ऐसी नई कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, ऐसी नई कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है। फिर बेटा ध्यान रखने योग्य पॉइंट कि इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें हम कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। तीन कोशिकाएं होती है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं के अंदर, और इनका जो स्त्रावण होता है वो कैसा होता है, अंत स्त्रावण होता है, न कि बाह्य स्त्रावण। ये किन का स्त्रावण करती है, ये हार्मोनों का स्त्रावण करती है। तो हार्मोन का स्त्रावण नलिकाओं से नहीं होता, नलिका विहीन होता है, अंत स्त्रावी रूप से होता है। अब अपन कहते हैं कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा या गामा कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रावण होता है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोगन का स्त्रावण होता है। कौन से हार्मोन का, ग्लूकोगन हार्मोन का स्त्रावण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो बीटा कोशिकाएं हैं इनसे तो जबरदस्ती क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम के अंदर कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो वो होता है बेटा इंसुलिन हार्मोन का। किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का। फिर रही बात गामा या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो आपको ध्यान होगा सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन्स, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन, इसका स्त्रावण किन से होता है, गामा या डेल्टा कोशिकाओं से होता है। तो ध्यान में आ गया कि अल्फा से ग्लूकोगन हार्मोन का, बीटा से इंसुलिन का और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोनों का स्त्रावण होता है। ये होते हैं अंत स्त्रावी और ये अग्नाशय जो रस का स्त्रावण होता है बाह्य स्त्रावी, इसी के कारण इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो ये हो गई हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि पाचन किस तरीके से होता है। तो थैंक यू सो मच।